करके आज आप लोग ये घेराव कार्यक्रम जो किए थाना में? ऐसा है कि कल में परसों रात को जो है हम लोग का बालाजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का रेसिडेंस में जो है, जो कि दुकान नीचे है ऊपर में उनका मकान है, उसमें एक बहुत बड़ा चोरी का घटना घटा है। उसके ये में जो है कल हम लोग जो है थाना में डायरी दिए थे और वहाँ पर लोगों के द्वारा ये किया गया कि बाज़ार में और गांव के छोटे छोटे जो है अप्रोच रोड में घटनाएं घट रही है। क्योंकि अभी कोरोना काल में सबको मालूम है कि हम लोग के जय गांव में दुकानें मैक्सिमम बंद है, बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा है और जो है कारोबार नहीं है, लोग जो इम्प्लाई हैं उनके पास में काम नहीं है, बहुत बेकारी बढ़ गई है, तो इसमें जो है इस टाइप का घटना घट सकती है और आगे। क्योंकि भूटान जो है गेट अभी बंद है, कब तक ये होगा, तो लोग के पास काम नहीं होगा, तो ऐसी घटना का आशंका जाहिर किया गया था। उसको लेकर के कल हम लोग हनुमान मंदिर धर्मशाला में इकट्ठा होकर के एक मीटिंग किए थे कि दोनों एसोसिएशन, जयगांव मर्चेंट एसोसिएशन, हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन, ये दोनों मिल करके एक हम लोग जो है डेपुटेशन देंगे कि इस जो घटना घटी है बालाजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रेसिडेंस में, उसके कालपीठ को तत्काल उसको पकड़ा जाए और जो हम लोग उनका जो है नुकसान हुआ उसका रिकवरी किया जाए। इसके लिए हम लोग डेपुटेशन दिए। इसके साथ ही बाज़ार में ऐसा देखा जा रहा है कि थोड़ा अंधेरा होने के बाद में पूरा चारों तरफ से गाड़ियां जो है खड़ी हो जाती हैं, दुकान छुप जाता है, उसके आड़ में जो है घटना कुल घटने की संभावना दिखाई दे रही है। तो हम लोग इसको ये किए हैं कि ये चीज़ को रोका जाए, बाज़ार को पार्किंग जोन से फ्री रखा जाए, बाज़ार में किसी प्रकार का जो है जो लगेज गाड़ी है सब उसका जो है पार्किंग न हो, जो भी पार्किंग हो जीएसटी मोड में या जहां पार्किंग जोन बनाया गया वहां जाकर के गाड़ी पार्किंग हो सब। ये हम लोग जो ये किए हैं, उसी साहब ने आश्वासन दिए हैं कि इसको तो कल ही हम देखते हैं पार्किंग वाला चीज़ को, और कालपीठ को जो पकड़ना है उसको हम लोग लगे हुए हैं और इसको जितना जल्दी होता है उसको हम जो है रिकवर कराने का कोशिश करते हैं। इधर देखा जा रहा है कि आपका जो कैमरा था इनका, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो ये चोरी घटना ना हो बल्कि लाया गया, काफ़ी दिनों से ख़राब है, तो इसको लेकर के आप लोग कंप्लेन वगैरह किए हैं क्या? हाँ, अभी इसको लेकर के भी हम लोग बात किए थे कि सीसीटीवी खराब है, इसको ठीक कराया जाए, तो उनके द्वारा बात हम लोग का हुआ है, इसको बहुत जल्दी सीसीटीवी कैमरा को ठीक कराने का, रिप्लेस कराने का चेष्टा किया जाए। उनके थ्रू होगा कि आप लोग इसमें पहल करेंगे? यदि उनके थ्रू होता है बहुत अच्छा है, नहीं तो हम लोग भी मिलजुल करके गांव के भला के लिए जो करना होगा हम लोग भी सहयोग इसमें मिलेंगे करेंगे। ये एक सुनहरा पहल भी बोल सकते हैं कि दोनों एसोसिएशन एक साथ होकर के आज ये जो घटना हो रहा है उसके विरोध में आप लोग खड़े हुए हैं, किस तरह का माहौल है और क्या आप लोग का आगे का योजना है जो ये चोरी चमारी पड़ रहा है? अभी तो जैसे कल परसों का जो घटना है आए दिन देखा जा रहा है, तो थोड़ा बदमाशी बढ़ गया है, चोरी और छिनतई बढ़ गया है, इसको लेके हम लोग दोनों एसोसिएशन एकजुट हैं और आगे भी रहेंगे। अपना व्यापारी के लिए कोई भी दिक्कत हो तो हम लोग एक साथ हैं, और थाना में हम लोग FIR कल किए थे परसों, आज में हम लोग मास पेटिशन दिए हैं ज्वाइंट, ताकि प्रशासन कुछ कदम उठाए। प्रशासन के द्वारा भी आश्वासन मिला है जे व्यापारी लोग के लिए, जयगांव के सभी मेंबर लोग के लिए, उसके हित में हम लोग करेंगे, आप लोग का भी सहयोग चाहिए। साथ ही वो गाड़ी का भी ये बात हुआ है, गाड़ी कल से खड़ा नहीं होगा MG रोड में जो जाम लगता है गेट नंबर 2 में, उसके चलते भी बहुत बदमाशी बढ़ गया है, क्योंकि उसमें CCTV कैमरा इधर से उधर दिखता नहीं है। साथ ही जो कमरा ख़राब है उसके लिए भी बातचीत हुआ है, वो भी बहुत जल्द बन जाएगा। प्रशासन कितना क्या करता है उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे, आगे करेंगे, और आप सभी मीडिया भाई का भी सहयोग चाहिए, ताकि ये समाज में अपना जयगांव में किसी तरह का माहौल ख़राब ना हो, और सामने आने वाला भी कई चीज़ है आम चीज़ जिसको अच्छा से किया जाए। सभी मिलजुल के हम लोग हैंडलिंग करेंगे और अच्छा से मिलजुल के रहेंगे। धन्यवाद सर। देखा जा रहा है कि
जयगांव का एमजी रोड है, खासकर स्ट्रीट लाइटें नहीं जल रही है। शाम के समय में जयगांव में एक ट्रेंड सा चला है कि इवनिंग वॉक के लिए लोग निकलते हैं, और साथ में ये भी देखा जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट नहीं जलने के कारण, काफ़ी अंधकार के कारण काफ़ी सारी घटनाएं घट रही है, छिनताई हो रही है, डकैतियाँ हो रही हैं, पिक पॉकेटिंग हो रही है, और चोरी की जो घटनाएँ हैं वो भी बढ़ रही है। तो इस विषय में आप लोग प्रशासन के साथ क्या बात किए हैं? हम लोग इसको लेके, एक तो एमजी रोड में बहुत दिन पहले गड्ढा खोन के रखा गया था, पोल गिरा के रखा गया था, उसके लिए हम कई बार करस्पॉन्डेंस किए जेडीए के थ्रू से, तो जेडीए में एक किए तो पोल तो लग गया, स्ट्रीट लाइट भी लग गया। उसको लाइट जलाने के लिए हम लोग पूजा के पहले लेटर दिए थे, जाके पर्सनली हम लोग मिले भी थे जेडीए के AEO साहब से, आश्वासन दिए थे जो हम मतलब जिला से डिस्ट्रिक्ट से बातचीत करके पूजा के पहले हम लोग लाइट जलवा देंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश लाइट अभी तक जला नहीं। फिर हम लोग रिमाइंडर सेकंड दिए हैं, जो नया हमारे जेडीए के चेयरमैन आए हैं उनको दिया गया है, AEO साहब को दिया गया है, तो बोले हैं जो हम लोग कोशिश करते हैं जो इलेक्शन के पहले आप लोग को लग जाएगा, और बाकी हम लोग लगे हुए हैं। आगे तो काम प्रशासन का, प्रशासन करे, हम लोग से कुछ सहयोग चाहिए तो हम लोग रेडी है, बिजनेसमैन रेडी है।